हाय एवरीवन, वंस अगेन आई पंकज पांडे हियर, योर इंग्लिश ट्यूटर। आज हम बात कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं और आज एक बहुत पूर्ण टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, बहुत पूर्ण सब्जेक्ट पे आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि अगर दो कार्य पास्ट में लगातार जारी हो, चल रहा हो, जैसे मैं आता था वह जाता था, मैं खाता था वह नहाता था, इस तरीके के अगर सेंटेंस आते हैं उसका ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, आइए हम स्टूडेंट से चेक करते हैं ताकि आप भी अपने आप को इम्प्रूव कर सके, आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहले मैं आता था वह जाता था, आई यूज टू कम ही वुड गो, आई यूज टू कम ही वुड गो, मैं पढ़ता था वह रोता था, आई यूज टू रीड ही वुड वीप, मैं नहाता था वो पढ़ता था, आई यूज टू रीड ही यूज टू रीड नहीं ही वुड रीड ही वुड रीड। कहने का मतलब यह है कि जहां यहां पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक चीज कॉन्फिडेंट है, इन सबको पता है कि अगर दो कार्य हों ऐसे जो पास्ट में चल रहे हों तो एक के लिए यूज टू लगाएंगे, दूसरे के लिए वुड लगाएंगे। जैसे मैं खाता था वह नहाता था, तो क्या बोल रहे हैं, आई यूज टू रीड, मैं पढ़ा करता था वह खेला करता था, आई यूज टू प्ले एंड ही वुड प्ले। तो आप सभी ध्यान से समझिएगा, ऐसे अगर कहीं भी सेंटेंस आते हैं कि मैं पढ़ता था वह खेलता था, मैं नहा रहा था, मैं नहाया करता था वह रोया करता था, तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए पहले वाले के लिए यूज टू और दूसरे के लिए हम क्या लगाएंगे, वुड। दोबारा यूज टू प्रयोग नहीं करना, एक सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग सिर्फ एक ही बार होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए, मैक्सिमम शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और ऐसे छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक मिलते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।